नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं बायोस्कोप न्यूज। अभी हम लोग दिव्य कल्याण आश्रम के सामने खड़े हैं। हमारे साथ झारखंड की बहुत ही चर्चित चेहरा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। इनके तमाम दर्शक, इनके जितने भी समर्थक हैं यहाँ पर जुड़े हुए हैं। आप आज जानना चाहेंगे, क्योंकि कल तक ये चर्चा में थी और आज भी चर्चे में है। कल तक भाजपा जो है अपना उम्मीदवार के रूप में इनको उतारने का प्रयास कर रही थी, फिर रात में खेला हो गया। खेला की बात करें तो अब जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या बातें हुई हैं और कुमकुम देवी जो हैं इस बार विधानसभा से आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, किसी पार्टी से आ रही हैं या फिर निर्दलीय आ रही हैं। विशेष बातें इनसे जानने का प्रयास करेंगे। कुमकुम जी, आपको बायोस्कोप खबर की तरफ से ढेरों सारी शुभकामनाएँ। धन्यवाद। क्या कल तक का जो बरगट्ठा का जो स्थिति था उससे सभी जनता नाखुश हैं, खुश हैं, क्या मामला है? आज इतने सारे समर्थक आपके जुड़े हुए हैं, किस कारण से जुड़े हुए हैं? देखिए, कल सबको पता है कि मेरे साथ क्या खेला हुआ। जैसे नहीं रहता कि किसी को थाली दे के खाना दिए और छीन लिए, वैसे हुआ। मैं प्रदेश नेतृत्व को दोष नहीं दूंगी, क्योंकि उन्होंने मेरे काम को समझा, मेरे मेहनत को समझा और उन्होंने मुझे उस लेवल तक, वहाँ तक पहुँचाए। सभी लोगों ने एक भी मेरा विरोध नहीं किए, लेकिन दादाजी की छड़ी घुमा और तुरंत खेला हो जाए, उस तरह का हुआ मेरे साथ। और मैं इसीलिए अपने समर्थकों से पूछना चाहती थी कि क्या मैं चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं, क्योंकि मुझे जो आज अभी तक फील्ड में घूमी तो सबका यही कहना था कि टिकट मिले या ना मिले। उन लोगों को भरोसा नहीं बुझाता तो टिकट तक वहां पहुंचेगी, लेकिन टिकट मिले या ना मिले चुनाव लड़ना है, क्योंकि लोग यहाँ त्राही माम है, दोनों से मुक्ति चाहते हैं। चाचा भतीजा 20 साल से राज कर रहे हैं, इन दोनों से छुटकारा चाहते हैं और जनता का आग्रह है। अभी अगर मुझे टिकट मिला रहता तो देखते कि लोगों के मन में कितना उत्साह, कितना उमंग रहता, लेकिन अभी किसी के मन में उत्साह उमंग नहीं है, सिर्फ उनके चमचा लोग जो ठेकेदार लोग हैं उसके अलावा पब्लिक के नज़र में नहीं है। ये चीज़ आप लोग को भी पता होगा। कल आपने बरिया अनुमंडल से आपके नाम से एक फॉर्म खरीदा गया है, तो क्या आप चुनाव में आ रही हैं? जी। तो निर्दलीय आ रही हैं या किसी पार्टी से आ रही हैं? लोकहित अधिकार जन लोकहित पर लोकहित अधिकार पार्टी लोकहित अधिकार पार्टी से कुमकुम देवी इस बार चुनाव में आ रही है। उसका चिन्ह क्या है? सेव छाप। सेव छाप है। और जितने भी इनके समर्थक हैं, समर्थकों ने ही फैसला लिया है कि कुमकुम देवी इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी। अब विगत में अगर इनके पारिवारिक दृष्टिकोण की बात करें तो इनका जो राजनीतिक जो करियर है, पिछले 10 वर्षों से इन्होंने जिला परिषद सदस्य होने का बखूबी निभाया है। अब 15 वर्षों से इन्होंने बखूबी निभाया है, बहुत सारे वोटों से जीती भी थी। इस बार रुझान कुछ और है। बरगट्ठा विधानसभा की जनता जो है परिवर्तन चाह रही है। परिवर्तन किस प्रकार से होगा, कुमकुम देवी के मुखारविंद से सुनेंगे। परिवर्तन इस बार होगा, जनता ने चाह लिया है कि ये दोनों को उखाड़ के फेंकना है। देखिएगा, भले मेरे पास पूरा उन लोग के पास पैसा फेंकेंगे, लोग उसके साथ घूमेंगे, लेकिन वोट हमको करेंगे। इस तरह का मैं खुद देखती हूँ। जो साथ घूम रहे हैं वो भी बोलते हैं कि दीदी आप खड़े रहो, हम लोग पार्टी का झंडा ढोएंगे, लेकिन वोट आपको देंगे और काम भी आपके लिए करेंगे। बरगट्ठा विधानसभा की जनता को आप इस विधानसभा चुनाव में क्या संदेश देना चाहिएगा? यहाँ परिवर्तन होगा और भ्रष्टाचार खत्म होगा। इन लोगों ने सिर्फ अपने घर को भरा है, कभी पब्लिक के लिए नहीं है। इन लोग के घर में 10-10 नौकर है, लेकिन जनता, बूढ़ी माता लोग सब परेशान रहती। ब्लॉक का देखते हैं, कोई भी ब्लॉक में किसी के लिए परेशान है, कोई एक आदमी नहीं हेल्प करने वाला है। और ये लोग अपने घर में 10 नौकर रखे, लेकिन पब्लिक के लिए एक भी स्टाफ नहीं रखे कि उनकी समस्या को सुलझाए। हर जगह करप्शन है, थाना हो, ब्लॉक हो, हर जगह करप्शन है और ये लोग कभी किसी को नहीं सुनते। हम लोग जिला परिषद, हम लोग का उतना चलता नहीं, कहा है कि सरकारें, फिर भी हम लोग अपने कोशिश करते रहते, लेकिन यही है कि हम लोग इस बार जीत के और इस भ्रष्टाचार को मिटाएंगे। ऐसा नहीं कि झारखंड सरकार में ही भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार ब्लॉक में है तो विधायक भी हटा सकता है, ऐसा नहीं है। बात अगर करें, अगर क्योंकि जितने भी उम्मीदवार आते हैं चुनाव में तो जनता के बीच बहुत सारी मूलभूत समस्याओं को रखते हैं, तो अगर इस बार आप यहाँ से उम्मीदवार बन रही हैं तो आपका कोई ऐसा 3 उद्देश्य बताइए जो बरगट्ठा की जनता को कुछ नया मिलेगा। देखिए,
नहीं, बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करती मैं। जिला परिषद भी जीती तो कोई बोलता था नली गली, तो मतलब जिला परिषद में फन नहीं, नली गली हम नहीं बनाएंगे। आप कहिए, हम आपके लिए 24 घंटे खड़े रहेंगे। इसी तरह मैं बहुत बड़े बड़े वादे नहीं करती कि मैं अगर जीती तो क्या करूँगी, लेकिन इतना ज़रूर है कि अभी लोगों की मेन समस्या जो रहती है वो भ्रष्टाचार, ब्लॉक सबका, उससे ब्लॉक से आना जाना रहता है, कुछ ना कुछ काम रहता, थाना हो गया, ये शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, जिसमें कि आप लोग जानते हैं कि मैं स्वास्थ्य विभाग में कितना ध्यान देती हूँ। ये सब मैं सुधार करूँगी, कोशिश कर, ये नहीं कर सकती कि मैं बनूँगी तो रोज़गार दे दूँगी, क्योंकि नियम है, लेकिन अपनी आवाज़ को, लोगों की आवाज़ के लिए हर समय बुलंद रखूँगी, चाहे घोटाला हो चाहे करप्शन हो, उसके लिए मैं अपनी आवाज़ को हर समय बुलंद रखूँगी। अभी आप सुन रहे थे बरगट्ठा में ही नहीं बल्कि हजारीबाग पूरे झारखंड में दया दीदी के नाम से प्रख्यात कुमकुम देवी को। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339।